जब गुरु नानक देव जी वही नदी 72 घंटे वास्ते अलोप हो गए सके, वो स्थान है जिथे कि गुरु नानक देव जी 72 घंटे बाद दोबारा प्रकट हुए सी। गुरु नानक देव जी की चरण छो प्राप्त यह स्थान जिसनों असी गुरद्वारा श्री संत काट साहिब जी के नाते जाने, यह स्थान गुरद्वारा बेर साहब तो तकरीबन 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जिन्हों पुजन वास्ते इस स्थान तक 10 मिनट का समय लगता है। सुल्तानपुर लोधी एक ऐसा शहर है जिदे अंदर बहुत सारे स्थानों पर महाराज की चरण छो प्राप्त है, इस करके इनू छोटा ननकाना भी आख्या जाता है। आओ असी अंदर जाके तुहानू गुरद्वारा साहब के दर्शन कराने ते इत्थे दा इतिहास सरवण कराने। मेरी बाबा नानका छड़ी ना कदे, मेरी बाबा नानका। जगत गुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज जी ने 14 साल 9 महीने 13 दिन भगती करने तो उपरंत एक दिन वही नदी में इशनान करन गए, वापस नहीं आए। 3 दिन तक उन्हां दी भाल हुंदी रही चढ़दे नूं लैंदे नूं। उस समय दे एक्सपर्ट टोबे मंगा के भाल कीती गई, लेकिन सतगुरु श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज दा शरीर किते नहीं लभिया। 3 दिनां बाद जगत गुरु श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज जी जिस स्थान का नाम अज कल गुरद्वारा श्री संत घर साहिब जी है, इत्थे आ के प्रगट होए तो संगतां नूं पता लगन ते सारियां संगतां ने इस वाते नूं वहीरां घत दित्तियां। उस समय इस स्थान जिहड़ा है शमशान घर सी, गुरु महाराज जी इस स्थान ते आ के बैठ गए, संगतां दा इकट्ठ होया। समय दे हाकम लोधी खान नूं पता लगा, वह भी इस स्थान ते आ के हाजिर होया और मुल्ला मुलाने सब इस स्थान ते, हिंदू वीर और मुसलमान वीर सारे इस स्थान ते इकट्ठे होए। उस समय दोवां फिरकियां विच बहुत घमसान दा युद्ध चल रहा सी। जिस तरह हिंदू वीर कहिंदे सन असीं वड्डे हाँ, मुसलमान कहिंदे सी असीं वड्डे हाँ। गुरु महाराज जी ने इत्थे दोवां नूं समझाया, ना कोई हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड प्राण, कि जिन्नी भी खलकत है सब उस अकाल पुरख महाराज जी तो पैदा हुई है। तो सबना नू गुरु महाराज जी ने सच का उपदेश दिता, सुची किरत करन दा समझाया और नेक कम करन दी उन्हां नू समत बख्शी। इस स्थान ते ही गुरु महाराज जी ने मूल मंत्र का उच्चारण किया, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी साहिब हंग गुरप्रसाद। गुरु महाराज जी ने इत्थे ही बाणी का आरंभ किया और इत्थों ही अपने साथी भाई मरदाना जी नूं भाई फरिंदे तो जो उस वेले परवाणे नगर विच रह सहे सन उत्थों रबाब मंगाई और रबाब मंगा के इत्थे ही गुरु महाराज जी ने कीर्तन की आरंभता की, जो अज कल गुरु घर कीर्तन हो रहा है वो इसे ही स्थान की देन है। ऐसे स्थान पर मेरे सच्चे पिता साहब श्री गुरु नानक देव जी ने वचन उचारे, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, जिसनों सुन इत नवाब दौलत खान वो क्रोधित हो गया। उन्हें महाराज नूं बुलवाया, 2 बार स्नेहा भेजा, महाराज नहीं गए। बाद इच महाराज नूं उत्थे बुलाया गया। महाराज नूं उन्होंने एक सवाल पूछया कि तुसी कहिंदे हैगे हो कि ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, तुसी दोनां च फर्क नहीं करदे, ते क्या तुसी साडे नाल बैठ के नमाज़ पढ़ सकते हैगे हो? महाराज ने आख्या बिल्कुल। यह भी एक साखी है, महाराज ने बैठ के उन्हां नाल नमाज़ पढ़ी। जिथे बैठ के महाराज ने उन्हां नाल नमाज़ पढ़ी उस स्थान दे अज गुरद्वारा है जिन्हों अंतरयात्मा साहब कहिंदे ने। आप जी नू उस गुरद्वारा साहब दे भी दर्शन करावांगे ते उत्थे दे भी साखी दसांगे। गवाही दिंदा आ किन्ना सिद्क सेवा विच बल पिया, लै नाल पाई मरदाना बाबा करण उदासी। जिस स्थान पर असी इस वक्त खलोते हैं वो स्थान हैगा गुरद्वारा श्री संत घाट सुल्तानपुर लोधी। तो एग्जैक्ट वो जगह जिथे मैं इस वक्त खलोता है, यह हैगा काली बेन नदी का घाट।
साखियां विच इतिहासकारां ने लिखिया हैगा कि यह वो नदी है जिथे महाराज 72 घंटे के बाद प्रकट हुए सी। छड़ी ना कदे मेरी बाबा नानका, छड़ी ना कदे मेरी बाबा नानका, बख्श देवी मेरे, बख्श देवी मेरे, बख्श देवी मेरे, तू गुना बाबा नानका, छड़ी ना कदे मेरी बाबा नानका।